हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो बात अब बंगाल की कर लेते हैं। बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में 2 दिन के तूफानी दौरे पर हैं, जहां वो ममता परिवार के गढ़ में गरज रहे। अब की बार बंगाल में आर पार। बंगाल विजय का बीजेपी अध्याय। बीजेपी ने बंगाल में ममता बनर्जी की घेराबंदी तेज कर दी है। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निशाने पर हैं पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था और ममता की पुलिस। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके बारे में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन भी यह ध्यान में रहे, ये सरकार हर दिन नहीं रहने वाली। 2021 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, यह हमको ध्यान में। ममता बनर्जी भी बीजेपी पर तगड़ा पलटवार कर रही हैं। सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर ममता ने बीजेपी पर ही आरोप जड़ दिया। हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो देखे ताते बोल शॉटगन माने ओ छोड़ा टाइप के पुलिस तो सब चले ना, पुलिस तो सब यूज ही करे ना। तमने कि तुम्ही एक प्रोग्राम करार जनो पब्लिसिटी करवार जनो तुम्ही एक लोक के मेरे फेले, तुम्ही हमारे एक राजवंशी भाई के मेरे फेले छे, मेरे फेले तुम्ही बोलछो जे पुलिस मेरे से भाई पुलिस मेरे से। जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे तो हेस्टिंग्स इलाके में बने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और हुंकार भरी कि यहीं से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकने की शुरुआत होगी और अगले साल के चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। कोलकाता पहुंचने पर नड्डा का जबरदस्त स्वागत हुआ, जमकर ढोल बजे। बंगाल की परंपरा के मुताबिक स्वागत हुआ। परंपरागत बंगाली वेशभूषा में सजी महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नृत्य किया, जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन के बाद जेपी नड्डा ने ममता के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में दम दिखाया। जेपी नड्डा ने यहां रथ यात्रा निकाली। इसी इलाके से ममता बनर्जी खुद विधायक है। नड्डा के स्वागत में भवानीपुर में भारी भीड़ दिखी, कार्यकर्ताओं ने फूल भी बरसाए। ममता के इस गढ़ में नड्डा ने साथ ही लोकल लेवल पर कार्यकर्ताओं से बातचीत की। नड्डा ने यहां ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का बड़ा आरोप लगाया। और 1 जुलाई को ईद आती है, ईद मनाना चाहिए, हम चाहते हैं मनाई जाए, हमें खुशी है, हमारी सरकार जहां जो होती है हम मनाते हैं, हम मनाने की इजाजत भी देते हैं। लेकिन 30 तारीख को ईद मनाने की छुट्टी और 30 के बाद आता है 5 अगस्त, जब भव्य राम मंदिर बन रहा होता है तो उस दिन कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप बताइए कि लॉकडाउन पहले लगेगा या बाद में लगेगा? लेकिन 5 तारीख को लॉकडाउन क्यों लगाया? जेपी नड्डा ने कल शाम कोलकाता के मशहूर कालीघाट मंदिर में पूजा की। ये मंदिर भी ममता बनर्जी के चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से सटा हुआ है।